हेलो नमस्ते वड़कम एंड हैप्पी दिवाली। जी हाँ, दिवाली आ चुकी है और दिवाली में ख़रीदारी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दिवाली में तो ख़रीदारी का खास करके ट्रेंड होता है, और ख़रीदारी की बात हो तो इंडिया दूसरे नंबर पर है सोने की ख़रीदारी में। और सोने की ख़रीदारी की बात हो तो हमारी इंडियन लेडीज़ इसमें कहाँ पीछे रहने वाली है। जी हाँ, अभी हम पहुँच चुके हैं TBZ, जी हाँ, जो ज्वेलरी में काफ़ी अच्छी अपनी पहचान रखता है और ख़ास करके लोगों की काफ़ी अहम पसंद है। और हम यहाँ पर पहुँच गए। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं शोकेस में कितने सुंदर नेकलेस और इयररिंग्स रखे हुए हैं। यहाँ पर पर्ल्स का भी काम इसमें दिख रहा है। हालांकि हमें इसकी समझ नहीं है, लेकिन ये देखने में इतना आकर्षक लग रहा है कि हमारी नज़र जो है वो यहीं पर रुक गई। लेकिन और भी बहुत कुछ है इस बार ज्वेलरी के मार्केट में, और क्या कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोग खरीद रहे हैं इस दिवाली में, हम आपको ज़रूर बताएंगे। उषा जी हमारे साथ पूरे इस मार्केट को समझने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले यहाँ बहुत सुंदर ब्रेसलेट्स मैं देख रही हूँ। ये मेंस में आ जाएंगी सारी ब्रेसलेट्स, जितनी भी ज्वेलरीज आपको दिख रही है इस कोने से लेकर के उस कोने तक, सारे हमारे पास हॉलमार्किंग आएंगी 22 कैरेट्स गोल्ड की। तो जितनी भी आप देख रहे हो, अभी कलेक्शंस भी नहीं हैं एंड क्योंकि धनतेरस का ओकेशन है, तो सभी जानते हैं कि धनतेरस में चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर हर एक क्लास के फैमिलीज जो भी होते हैं, तो वो छोटी से गोल्ड लेकिन लेते ही हैं। तो उस शुभ अवसर पे हम लोगों के पास जितने भी कलेक्शंस हैं, अभी वैरायटीज ऑफ कलेक्शंस हैं, अगर वो बुकिंग करना चाहें बुकिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उनको चाहिए कि बिलिंग पहले हो जाए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि रश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत लोगों के लिए हम लोग ऐसे भी करते हैं कस्टमर्स के लिए कि बिलिंग करके रखते हैं, वो नियम के लिए धनतेरस के दिन आते हैं रिसीविंग करते हैं, एक्स्ट्रा जो भी रिमेनिंग बैलेंसेस होते हैं वो भी क्लियरेंस करते हैं। तो इस तरह का होता है। बिल्कुल, और सही कहा आपने कि यहाँ पे क्वालिटी की बहुत बात होती है, और धनतेरस और दिवाली में छोटा से छोटा कोई चीज़ भी इंसान चाहे लेकिन ज़रूर चाहता है कि गोल्ड की खरीदे। यहाँ पर जैसे ये ब्रेसलेट्स हो गए, और ये मुझे सेक्शन दिख रहा है वो बैंगल्स वगैरह का भी है, और क्या क्या है इसको थोड़ा बताइए इसमें। ये हमारे फीमेल्स के लिए आ जाएंगे, ये येलो गोल्ड हो गए कलेक्शन, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मल जो बोलते हैं ऐसे में प्रेशियस स्टोन्स पे आते हैं कलेक्शन। ये हमारे पास कुछ कलेक्शन 18 कैरेट्स में भी है, जो कि देख सकते हो आप, मैंने जैसे कि आपको बोला स्वारोस्की हो गए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, जो अमेरिकन स्टड्स हो गए, ये काले नहीं पड़ते हैं, रेगुलर यूसेज के लिए भी ठोस में होते हैं। सेकंड ये एंटिक का कलेक्शन हो गया, जिसपे कुंदन का काम आता है, तो ये आपका स्क्रू पैटर्न में, जैसे आप देख सकते हो इसमें जो स्क्रूज लगे हुए हैं, स्क्रूज है, एंड देन हुक वाले भी है, जो कि आपको नॉर्मली आप कोई भी इंसान अगर पहनना चाहे इजीली वेयर कर सकता है, प्लस काले नहीं बढ़ते, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो आराम से हाँ पार्टी वेयर हो गया या ऑफिशियली यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। हाँ, ये हमारे पास एंटिक में देखेंगे न्यू कलेक्शंस में आपको कंगन आ जाएंगे। इसकी खासियत ये है कि अगर आप सिंगल यूज़ करना चाहें तो सिंगल हैंडेड भी हो जाएगा, अगर ओकेशनली डबल यूज़ करना चाहें तो डबल भी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें आप जैसे देख सकते हो हाथी के दांत बने हुए हैं, एंड ये भी क्योंकि आपको स्क्रू पैटर्न है तो हेल्दी रिस्ट हो या फिर पतली रिस्ट इजीली वेयर कर सकती हैं, एंड ऑफिशियली आप जैसे मैंने आपको बोला कि सिंगल हैंड में चला जाएगा, ओकेशनली कभी पार्टी वेयर पे हुआ तो वो डबल यूज़ कर सकती हैं। जब हम कहते हैं कि अब पुरानी चीज़ें जो है वो दोबारा वापस आ रही हैं, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो या फिर ज्वेलरी की बात हो, ज्वेलरी में हमने देखा एंटीक अब ट्रेंड कर रहा है, और अब हम चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जहाँ पर हम नेकलेस और हार की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही एक लाइन भी है कि जो स्त्री होती है वो तभी हार मानती है जब वो हार सोने का हो, और वो जो हार है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर भी कलेक्शन और वैरायटी दिख रही है उषा मुझे। हमारे यहाँ अभी जैसे कि मैंने बोला कि धनतेरस है, धनतेरस के भी हाफ में लोगों के लिए काफ़ी क्रेज़ रहता है एंटिक ज्वेलरीज़ के रिगार्डिंग, तो हमारे यहाँ अभी एंटिक्स में कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर किन्हीं को भी बुकिंग करानी हो इमीडिएटली बुकिंग भी करा सकते हैं। मिनिमम देखिए स्टार्टिंग हमारे पास लाइक 70,000-77,000 प्लस भी है हमारे पास, एंड 70 के रेंज में भी है सेट। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कलेक्शंस अगर ना समझ में आए लोगों को, तो अगर वो खुद का कलेक्शन कुछ ऐसा कस्टमाइज़ कराना चाहें तो वो भी हो जाता है। कस्टमाइजेशन आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यहाँ पर आजकल मैं देख रही हूँ कि ज्वेलरी में ग्रीन कलर का बहुत ट्रेंड है, यहाँ पे जितने एंटिक लगे उसमें ग्रीन कलर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। जी अभी क्योंकि क्रेज चला हुआ है लाइक ग्रीन हो गया, एंड देन आपका रेड का कॉम्बिनेशन हो गया, एंड देन कुंदन का भी कॉम्बिनेशन हो गया।
अगर इस ज्वेलरी की बात करें तो इसमें पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट तीनों कलर का बहुत अच्छा मिक्सचर है और नए फ्लेवर के साथ जो आया, मुझे लगता है यही कारण है कि ये और ज़्यादा इसको स्पेशल बना रहा है। लोगों की क्या कहते हैं जो चाह होती है और भी ज़्यादा वैरायटी की, वो ख़त्म नहीं होती है। और भी यहाँ कलेक्शन है ज्वेलरी और ख़ास करके नेक पीस में, वो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत दूर से भी आते हैं परचेजिंग के लिए, जो लाइक ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स के रहते हैं, तो उनका कहना है कि कंप्लीट वो येलो गोल्ड चाहिए। तो येलो गोल्ड्स में जो चोकर घंटी का एक पुराना सोने का गहना, तो उस तरह के मतलब टेस्ट के लोगों के लिए ये इस तरह का हमारे पास कलेक्शन है, जो कि पहना हुआ ब्राइडल के लिए बहुत ही प्यारा लुक आएगा। एंड क्योंकि डिज़ाइन इस तरह का है कि वो वेडिंग पे भी डाल सकती है, आफ्टर वेडिंग भी वो डाल सकती है। जैसे इन सब मतलब नेकलेसेस का कितना ट्रेंड चल रहा है और कस्टमर्स आ रहे हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली ऑफिस का मतलब समय है, तो काफ़ी ज़्यादा रश भी है एंड लोग जैसे आ रहे हैं, तो अभी मेरे पास ज़्यादातर आ रहे हैं सेट के लिए ही। बेसिकली आपका देखेंगे येलो गोल्ड हो गए वेडिंग पर्पज़ से, एंटिक भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा, क्योंकि एंटिक में ही ज़्यादा रश है। उसमें मैंने आपको बोला कि फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी, मेकिंग आपको नॉर्मल डेज में 1400 to 1500 होते हैं, तो अभी आपको पर ग्राम मात्र 599 ही लग रहे हैं। भी सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो डायमंड में ऑफ़र है, हमारे यहाँ ज़ीरो मेकिंग है, जो कि पूरे रांची में नहीं है अभी, किन्हीं के यहाँ भी नहीं। एंड हमारा जो है डायमंड अगर देखेंगे कलर क्लैरिटी वाइज हमारा सबसे बेस्ट रहता है, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, इजी एंड कन्वीनियंट होता है, जो कि पूरे पैन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है डायमंड्स की वो GIA की होती है पूरे इंडिया में। वो तो इंटरनेशनल होता है, लेकिन इंडिया में जो सप्लाई होती है वो GIA की होती है, जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। तो हमारे यहाँ वो चीज़ है, अभी TVZ खुद का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि पूरे पैन इंडिया में आप किसी भी TVZ के शोरूम पे जाते हैं, आप एक्सचेंज करते हो 100% एक्सचेंज है विद करेंट रेट होता है। एंड अगर आप कैशबैक भी करना चाहो तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि हम वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और डायमंड की ज्वेलरी है नेक पीसेस, उसमें बेसिक क्या वैरायटी हम देख पाते हैं? लाइक बेसिकली आप देखेंगे तो कलर क्लैरिटी जो हमारे यहाँ प्रोवाइड होती है वो आपको GH VVS VS में होती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, हाईएस्ट कलर क्लैरिटी होती है। सेकंड में हमारा आता है HIVSSI, जो कि सेकंड हाईएस्ट होती है। थर्ड में हमारा आता है HISI कलर क्लैरिटी, जो कि मतलब मीडियम में होता है, वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं। इसलिए हमारे डायमंड्स का रेंज जो है वो थोड़ा सा हाई है, बट वो मतलब अगर आप डेली उस पर खुद पर भी डालोगे ये चीज़ आप नोटिफाई करना। और डिज़ाइन में क्या वैरायटी? डिज़ाइंस में हमारे यहाँ जैसे डायमंड में आप जिस तरह का चाहो लाइनर में आपको मिल जाएंगे, डैंगलर चाहें तो डैंगलर में मिल जाएंगे, एंड चोकर्स भी हमारे पास अवेलेबल है इस तरह का है, इसके ईयरिंग के साथ कम्प्लीटली आपको मैचिंग है, जैसे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा पीस है। एंड लुक ऐसा दिया हुआ है कि आप लाइक गहना मतलब जैसे तो ये वेस्टर्न में भी अगर चाहे इंसान तो ट्राई कर सकता है, ये चोकर बहुत ही अच्छा, ये आपको वेस्टर्न ट्रेडिशनल दोनों पे चला जाएगा, इसकी खूबसूरती है मुझे लगता है। ये ज्वेलरी नेक पीस की बात हो गई, उधर मुझे रिंग सेक्शन दिख रहा है और अब हम लास्ट सेक्शन रिंग सेक्शन में यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर बहुत वाइड वैरायटी यहाँ पर दिख रही है। तो उषा जी एक बार फिर से यहाँ पर लास्ट में हम रिंग्स को देख रहे हैं, साइज़ बहुत बड़े हैं, छोटे हैं, नॉर्मल, बहुत सारी चीज़ें देखिए अभी जैसे कि सीजन्स पे लोग पूजा पाठ पे पहनना चाहते हैं झुमका, जो कि पिंजरा पैटर्न में होता है, तो हमारे यहाँ जितनी हो सके उतनी हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक मल्टीपर्पज़ पे डाल सके वैसा झुमका बनाया है, जिसपे कि ये डुअल पर्पज़ पे डाल सकते हैं। ये डिटैचेबल है, अगर डेली यूज़ में चाहें वो बूंदा डाल सकती हैं, अगर ओकेशनली चाहें तो वो ये लटकन। और चीज़ दिख रही है लाइक झुमके पहले बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते थे, ये काफ़ी लाइट वेट। जी हाँ, ये लाइट वेटेड दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स आते हैं लोगों की कि आप लोग हैवी में बनाते लाइट वेट में क्यों नहीं बनाते, लाइट वेट में हैवी लुक वो रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो उसको मतलब नज़र रखते हुए हम लोगों ने ये बनाया है। फिंगर रिंग्स यहाँ पर दिख रहा है, फिंगर रिंग्स जैसे बहुत लोग होते हैं कि वेडिंग का, मैंने आपको बताया कि वेडिंग के लिए परचेजिंग करते हैं, तो अगर एंटिक का सेट लेते हैं तो एंटिक के लिए हमारे यहाँ एंटिक का कलेक्शन है फिंगर रिंग्स पे। अगर कम्प्लीटली येलो गोल्ड लेते हैं तो उसके लिए येलो गोल्ड का कलेक्शन है।
हर एक मतलब लोगों के लिए जैसा उनका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको प्रोवाइड। आर्टिफिशियल देखा था कि जैसे मैंने भी पहना है और बड़े बड़े लोग बहुत पहनते हैं, मतलब गोल्ड और डायमंड में भी लोग पसंद करते हैं ऐसे बड़े बड़े। हाँ, जैसे आपने आर्टिफिशियल कहा तो उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल लोग, ये बेनिफिट है एंटीक पे कि लोग यूज़ भी कर लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो हाँ गोल्ड है, तो उसमें रिस्क भी नहीं है, डेंजर भी नहीं है, इजी वे हो जाता है यूज़ करने के लिए भी। और लास्ट में कुछ वेराइटीज़ में जो शायद छूट गई हो वो आपको यहाँ पर दिखा दूंगी। जैसा कि हमने यहाँ पर चेन्स की बात की थी तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सोबर और थोड़े हैवी में भी चेन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि चेन्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, चाहे वो खासकर लेडीज़ ही नहीं लड़कों में भी बहुत ट्रेंड है, हैवी हो या सोबर सिंपल सा चेन हो वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है यहाँ पर। ये जो मैं चेन देख रही हूँ उषा जी, आजकल हैवी इस तरीके के गोल्ड के चेन का लोगों को बहुत, हाँ ये नवाबी चेन हो गए, ये जनरली लोगों पे ये क्रेज़ रहता है कि लाइक टी शर्ट्स के ऊपर भी दिखे शॉर्ट लेंथ पे, तो वो लाइट वेट में भी हैवी लुक है, अगर पूरा ठोस चाहे तो ठोस में भी है, एंड लेंथ जैसा रिक्वायरमेंट होता है लोगों का उसके अकॉर्डिंग है जी। और ये सोबर इधर लाइक फीमेल्स के लिए हो गए जो कि लाइक मल्टीपर्पज़ पे डालने के लिए, ये हो गए हमारे यहाँ कि लाइक ज़्यादातर जो बॉल्स वाले होते हैं इससे मैचिंग कंप्लीट आप सेट बना सकते हो, क्योंकि इस तरह के इयररिंग्स भी आते हैं हमारे यहाँ अलग से, तो आप जैसे कि मैंने बोला कि ये कंप्लीट आप सेट भी बना सकते हो, काफ़ी मतलब कलर्स के साथ बहुत प्रिटी लगता है आपका, कंप्लीट 22 कैरेट ही रहते हैं, लेकिन उसको ट्रेंडी लुक देने के लिए हम लोग एक पॉलिशिंग बोलते हैं जो कि आपका रोज़ गोल्ड होता है, वाइट गोल्ड होता है, तो वो पॉलिश की जाती है। काफ़ी सुंदर कलेक्शन है और वैरायटी हमने यहाँ पर दर्शकों को दिखा दी है, मुझे लगता है आपको भी काफ़ी कुछ पसंद आ गया हो, तो अब आप पर निर्भर करता है कि इस दिवाली आप क्या कुछ ख़रीदारी करते हैं और टी वी जेड से खास करके जो कलेक्शन है वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेंज के साथ, वो आप किस तरीके से खरीदते हैं और इस दिवाली को और कैसे रोशन मनाते हैं। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे इस ब्यूटीफुल दिवाली को इसी तरीके से देखते रहिए और भी नए कलेक्शन हम आपको दिखाते रहेंगे।